नमस्ते कुमार भैया। नमस्ते भैया, नमस्ते सभी को। तो कल हम लोगों ने लेक्चर 6 पे डिस्कशन शुरू किया था और ये देखा था कि मानव की मूल चाहना निरंतर सुख है। निरंतर सुख बराबर ज्ञान समाधान, और समाधान के लिए 9 बिंदुओं को हम लोगों ने सामने रखा था, ज्ञान विवेक विज्ञान व्यवहार कार्य व्यवस्था भागीदारी अखंड समाज सार्वभौम व्यवस्था मानवीय परंपरा। अब देखने में तो बहुत सारे शब्द हैं, परंतु इसको हम लोग एक एक करके समझेंगे और आगे आने वाले लेक्चर्स में हम लोग मुख्य रूप से जो समय लगाएंगे ज्ञान पे लगाएंगे। एक बार ज्ञान का भाग हमें ठीक से स्पष्ट हो जाए तो बाकी सब कुछ उसके फलन के रूप में हमें दिखाई देने लगता है। तो कल हम लोगों ने असाइनमेंट ये भी लिया था कि हम इसको अपने आप में देखें कि क्या हम अपने सुख को इस अर्थ में देख पाते हैं, है ना, ज्ञान और समाधान के ही अर्थ में देख पाते हैं, और क्या समाधान का ये जो समूचा स्वरूप सामने रखा गया है ये हमको सहज रूप से स्वीकार होता है। तो इसको हमने असाइनमेंट ग्रुप में लिया था। कल दिन भर की जांच परख से यदि किसी का कोई प्रश्न बना हो उसको रख सकते हैं, या जो अभ्यास एक हम कर रहे हैं उसको ऑब्जर्वेशन से कोई प्रश्न बना हो उसको रख सकते हैं। जी, तो ये बात हम अपने आप में देख सकते हैं कि मेरी चाहना निरंतर सुख है। और निरंतर सुख का मतलब क्या हुआ कि एक ऐसी स्थिति में जिसमें मैं निरंतर बना रहना चाहूँ, उसी को सुख नाम दिया। मैं अपने आप में एक ऐसी स्थिति चाहता हूँ जिसकी निरंतरता हो सके, जिससे मैं बाहर निकलना ना चाहूँ, जिसमें बने रहना चाहूँ। वह क्या स्थिति है उसको ही अगर हम समझें तो दिखता है कि वो ज्ञान और समाधान है। मैं जो वस्तु जैसी उसको वैसा देखना चाहता हूँ और उसके आधार पर अपने कल्पनाशीलता में समाधान होना चाहता हूँ। समाधान को ही सही भाव और सही विचार कहा। तो मेरे अंदर ज्ञान सुनिश्चित हो जाए, राइट अंडरस्टैंडिंग हो जाए, उसके आधार पर राइट फीलिंग हो जाए, उसके आधार पर राइट थॉट हो जाए, तो मेरी ही आवश्यकता है और वो मेरी ही क्रियाओं से पूरी होनी है। ये दूसरी बात भी हम नोट कर सकते हैं कि चाहना मेरी है और वो मेरे द्वारा ही पूरी होगी, मेरी क्रियाओं में ही पूरी होगी। उसी को जब फैलाया हमने, समाधान को फैलाया, तो ये 9 बिंदु ध्यान में आते हैं, इन पर हम एक एक करके बात करेंगे। तो इन 9 बिंदुओं पर हमको क्लैरिटी हो जाए, दिख जाए, स्पष्ट हो जाए। और ये भी दिखता है कि जब मुझे स्वयं में अपनी ही क्रियाओं में स्पष्टता होती है तो मैं उसके अनुसार जीता हूँ, और जब जीता हूँ तो फलन में वो फल परिणाम दिखाई देते हैं जिसकी मुझे स्पष्टता हुई थी, तो उसकी एक रूपता भी दिखाई देती है। तो मेरे आचरण में उसकी एक रूपता दिखाई देती है, मेरी भागीदारी में उसकी एक रूपता दिखाई देती है, और जो समाज की स्थिति बनती है ना, व्यवस्था की स्थिति बनती है, परंपरा की स्थिति बनती है, उसमें उसकी एक रूपता दिखाई देती है। तो समाधान को 3 भागों में हम देख सकते हैं, एक एक करके समझने का हम काम करेंगे। तो ज्ञान विवेक विज्ञान ये स्वयं में होने वाला काम है, व्यवहार कार्य व्यवस्था भागीदारी ये दूसरे मनुष्य के साथ या दूसरे प्रकृति के साथ होना है, जिसमें मैं और शरीर इन दोनों की भागीदारी होने वाली है, एक मानव के रूप में हम भागीदार होने वाले। और अखंड समाज सार्वभौम व्यवस्था मानवीय परंपरा की बात करें तो ये फिर और उससे आगे बढ़ते हैं, जिसमें पूरा समाज पूरी प्रकृति शामिल है, तो ये काम वहां पे होना है। तो जो पहला मुद्दा है ज्ञान विवेक विज्ञान का, उसको देखें तो स्वयं ही पूरी तरह सुनिश्चित होना है। तो ब्लॉक B1 और ब्लॉक B2 में ये काम होने वाला है। व्यवहार करते हैं तो शरीर की आवश्यकता है, कार्य करते हैं शरीर की आवश्यकता है, भागीदारी करते हैं शरीर की आवश्यकता है, तो एक मानव के रूप में ये होने वाला है। और जो अखंड समाज के लिए काम होना है, सार्वभौम व्यवस्था काम होना है, मानवीय परंपरा के लिए काम होना है, ये अन्य मनुष्यों की भागीदारी से शेष प्रकृति की इकाइयों की भागीदारी के साथ पूरा होने वाला है, ये काम बाहर होने वाला है। तो आपको दिखाई दे रहा है कि जहां हम अभी बाहर से कुछ अनुकूल पाकर कि समाज ऐसा हो जाए, प्रकृति में कुछ ऐसा हो जाए, शरीर में कुछ ऐसा हो जाए, कोई दूसरे से अनुकूल भाव मिल जाए, शरीर से अनुकूल संवेदना मिल जाए, जहां अभी हम यहाँ फंसे रहते हैं सुविधा से सुख पाने में या बाहर के प्रभाव से सुख पाने में फंसे रहते हैं, वहां से निकल कर हमारी एक ऐसी स्थिति बन सकती है कि मेरी आवश्यकता मेरे स्वयं के द्वारा पूरी हो रही है, हर क्षण पूरी हो रही है, और अब उस तृप्ति के साथ मैं शरीर के साथ भी निर्वाह कर रहा हूँ,
दूसरे मनुष्य के साथ भी निर्वाह कर रहा हूँ, अन्य निकायों के साथ भी निर्वाह कर रहा हूँ, है ना, ये स्वतंत्र होकर जीना है। Sir, here we earlier also we had that right understanding in the self. This in the self means right understanding about self or right understanding in myself or in my mind, etc. What is the actual interpretation of that? Right understanding of the whole existence within you. Of the self. Isn't it? No. Of the whole existence. Of the whole existence. Yes, sir. So, actually, we were telling so far that right understanding in the self means in my mind. That way we were interpreting that particular sentence. Right understanding in my mind. I should have. So, it should be interpreted as of the whole existence. Thank you, sir. नहीं, दोनों बातें भी साथ चल सकती हैं, बट उसको थोड़ा और क्लैरिफाई कर देते हैं। तो राइट अंडरस्टैंडिंग ऑफ द होल एग्जिस्टेंस इन यू, और आपके अंदर जो काम होना है वो माइंड में नहीं होना है, है ना? वो तो ब्लॉक B1 में होना है। जनरली माइंड से जिसको रेफर करते हैं वो ब्लॉक B2 है या फिर एक्सपेक्टेशन की एक्टिविटी है, तो माइंड में नहीं होना है। It actually, here it is all about the whole existence. That is the meaning. Actually, we are interpreting in the other way. That is right understanding in our inside or in our mind or that self may be part of our human body or human being, and that we should have right understanding in that self about other things. But actually, we should know about the self, isn't it? रुके, फिर दोनों सारा कंफ्यूज हो गया। नहीं, अबाउट जब कह रहे हैं और इन जो कह रहे हैं, इनको क्लैरिफाई करते चले। राइट अंडरस्टैंडिंग ऑफ द होल एग्जिस्टेंस या अबाउट द होल एग्जिस्टेंस इन द सेल्फ, ये कहा जा रहा है। ओहो, तो पूरे अस्तित्व का ज्ञान हो जाए, कहाँ हो जाए, मुझ में हो जाए। तो ज्ञान तो पूरे अस्तित्व का होगा, ज्ञान सिर्फ मेरा नहीं होगा। Actually, so the confusion is when we refer to all the scriptures, the self word means the whole existence. Self मतलब whole existence नहीं, self मतलब you, मतलब नहीं जी, तो self मतलब आप, है ना? तो आप में ज्ञान होना है। किस चीज का ज्ञान होना है? संपूर्ण अस्तित्व का ज्ञान होना है, वो आप में होना है। तो ज्ञान की वस्तु संपूर्ण अस्तित्व है, ज्ञान होना आप में है, ये ठीक है? We never speak about in the right feelings part. We never speak of the right self-regulation and health. Where it will come actually? It is also a feeling, no self-regulation. Yeah, it is a feeling. So it is a feeling in coexistence with the body. जो right feeling की बात करें, no feeling, it is in coexistence with the other self. Actually, this self-regulation should also be there for our happiness, sir. हाँ, बिल्कुल। How will we connect that self-regulation with the other feelings? देखिए, तो आप जुड़ी हुई हैं, आप अपने शरीर के साथ भी जुड़ी हुई हैं, आप दूसरे मनुष्य से भी जुड़ी हुई हैं, आप इस प्रकृति से भी जुड़ी हुई हैं। जब दूसरे मनुष्यों की बात कर रहे हैं और रिलेशन टू सेल्फ की बात कर रहे हैं, रिलेशन बिटवीन सेल्फ एंड सेल्फ, तब वो नौ फीलिंग्स हैं, ट्रस्ट से लेकर लव तक। बट आप जो शरीर के साथ जुड़ी हुई हैं, वहाँ पे जो भाव है वो सेल्फ रेगुलेशन है। तो आप ध्यान देंगे अगर, तो जो हम लोग आखिरी सेशन में रखते हैं ना, यूनिवर्सल ह्यूमन वैल्यूज क्या है, तो उसमें हम पूरे एग्जिस्टेंस से स्टार्ट करते हैं। एग्जिस्टेंस के लेवल पे कोएग्जिस्टेंस, है ना, नेचर के लेवल पे हारमोनी अमंग द फोर ऑर्डर्स, वहाँ म्यूचुअल फुलफिलमेंट की बात करते हैं, फिर सोसाइटी में ह्यूमन गोल की बात करते हैं, फिर जब हम फैमिली की बात करते हैं तो नाइन फीलिंग्स की बात करते हैं, फिर इंडिविजुअल की बात करते हैं तो वहाँ सेल्फ रेगुलेशन की बात करते हैं, तो वो भी एक फीलिंग है। फिर सेल्फ के अंदर जब बात करते हैं तो फिर हम, है ना, हैप्पीनेस, पीस, कंटेंटमेंट, ब्लिस, इन भावों की बात करते हैं, ये भी फीलिंग है। तो फीलिंग का मतलब क्या हुआ कि मैं कैसे रिलेट करता हूँ, तो मेरी क्रियाएं आपस में कैसे रिलेट करती हैं, वो वैल्यूज इन द सेल्फ है, वहाँ भी फीलिंग है। सुख समृद्धि, वो भी वहाँ पे फीलिंग है, सुख शांति संतोष आनंद। वैसे ही मैं जब दूसरी जब मैं शरीर के साथ रिलेट करता हूँ तो वहाँ संयम का भाव है, जब मैं दूसरे मनुष्य से रिलेट करता हूँ तो वहाँ वो नौ भाव हैं, जब मैं समाज के साथ रिलेट करता हूँ वहाँ भी भाव दिखाई देता है, जब मैं शेष प्रकृति से रिलेट करता हूँ वहाँ भी भाव दिखाई देता है।
तो भाव तो मेरे हर संबंध में है, चाहे जड़ के साथ हो, चैतन्य के साथ हो, और मेरे स्वयं की क्रियाओं में भी है। तो संयम भी भाव है। ओके ओके, सो प्रॉस्पेरिटी और ओनली प्रॉस्पेरिटी, सो प्रॉस्पेरिटी लुक्स फॉर सेल्फ रिलेशन और समथिंग लाइक दैट, और वी आर फीलिंग ओनली दैट ह्यूमन ह्यूमन रिलेशनशिप, दोस नाइन फीलिंग्स एंड प्रॉस्पेरिटी, ओनली दोस फीलिंग्स। नहीं नहीं ऐसा कहा, मैंने फिर से उसको बता दूं। हां, ह्यूमन ह्यूमन रिलेशनशिप में 9 फीलिंग्स हैं। हां ठीक है, और जब मेरे अंदर सेल्फ रेगुलेशन की फीलिंग होती है विथ बॉडी, तो उसका एक नेचुरल आउटकम है कि मैं अपने आप में प्रॉस्पेरिटी को देख पाता हूं और बॉडी में हेल्थ को देख पाता हूं। ये बोल के जा रही है। यस सर, क्लियर। इट इज एन आउटकम, प्रॉस्पेरिटी इज एन आउटकम ऑफ सेल्फ, इट कम्स द फीलिंग ऑफ, we look for prosperity just because we have the feeling of self regulation. ji ji, or prosperity is also a feeling. Yeah, yes sir, but health is not feeling. Health is not a feeling, it is an outcome. Ha. Okay. Yeah, okay sir. Badhiya didi, bhaiya next slide lagaiyega. तो 9 बिंदुओं को स्पष्ट करें तो दिखता है समाधान बराबर ज्ञान। और ज्ञान का मतलब क्या हुआ कि अस्तित्व संपूर्णता में मुझे जैसा है वैसा दिख जाए, इसका मुझे ज्ञान हो जाए, दिखना हो जाए। तो अस्तित्व के दिखने का मतलब ये नहीं कि मैं यहाँ बैठे बैठे सारे ग्रह गोलों को देखूंगा, सारी इकाइयों को देखूंगा, धरती के हर मनुष्य के चेहरे को देखूंगा, ऐसा नहीं। दिखने का मतलब कि व्यवस्था दिखेगी मुझे, अस्तित्व की व्यवस्था, अस्तित्व कैसा है, तो अस्तित्व की हर इकाई कैसी है, उसका आधार क्या है, इन बातों को मैं देख पाऊंगा। तो मैं हर इकाई के साथ जो उसका एक स्वभाव जुड़ा हुआ है, जिसकी व्यवस्था जुड़ी हुई है और जिस प्रकार से अस्तित्व में है, उसको देखूंगा। तो मैं उसको देख सकता हूँ, तो मैं पूरे अस्तित्व को जैसा वैसा देख सकता हूँ। अस्तित्व को देखता हूँ तो दिखता है शून्य है, जो हर जगह व्याप्त है, और उसमें इकाइयां हैं। इकाइयां दो प्रकार से हैं, जड़ और चैतन्य, और ये दोनों इकाइयां चार अवस्थाओं में हैं, और चारों अवस्थाएं स्वयं में व्यवस्था में बनी हुई हैं, और दूसरी इकाइयों के साथ, दूसरी अवस्थाओं के साथ भी, और अवस्था के अंदर भी सारी इकाइयां एक दूसरे के साथ व्यवस्था में भागीदारी कर रही हैं। ये सारी बातों को मैं देख पाता हूँ। इन्हीं अवस्थाओं में ज्ञान अवस्था है, उसमें मैं हूँ, तो मैं अपने आप को भी देख पाता हूँ, अपने संबंधों को देख पाता हूँ, और पूरी प्रकृति की व्यवस्था को देख पाता हूँ, उसमें अपनी भागीदारी को देख पाता हूँ, उसके आधार को देख पाता हूँ। इसको कहा अस्तित्व को जैसा वैसा देखना। इसके आधार पर विवेक, विवेक का मतलब क्या हुआ, मानव लक्ष्य की पहचान हो जाए। जी कुछ प्रश्न आए हैं चैट बॉक्स में, उसको भी पढ़ ले रहा हूँ। तो विवेक, विवेक का मतलब मानव लक्ष्य की पहचान हो जाए। मानव लक्ष्य को देखा तो समाधान, समृद्धि, अभय, अस्तित्व इस रूप में दिखाई देता है समाज के स्तर पर, इसका पहचान हो जाए, इसको मैं ठीक ठीक देख पाऊं। विज्ञान मतलब उसको कैसे पूरा करना है, इसकी मुझे स्पष्टता हो जाए। फिर वैसा मैं मानव के साथ जब व्यवहार करता हूँ जिससे उभय सुख होता है, तो उसका एक फलन है व्यवहार, जिससे उभय सुख हो रहा है, उभय तृप्ति हो रही है। फिर वैसे ही ज्ञान विवेक ज्ञान के आधार पर मैं जब शेष प्रकृति के साथ जुड़ के कार्य करता हूँ, तो उसमें मैं समृद्ध महसूस करता हूँ, और मैं शेष प्रकृति को संवर्धित कर पाता हूँ, उसके लिए पूरक हो पाता हूँ, तो ये कार्य में उसका फलन दिखाई देता है। तो समाधान का अर्थ ये हुआ कि मुझे अब इनमें से हर एक बिंदु पर स्पष्टता है कि संबंध में उभय सुख सुनिश्चित करने का कार्यक्रम क्या होगा। शेष प्रकृति के साथ कार्य करते हुए उभय समृद्धि सुनिश्चित करने का कार्यक्रम क्या होगा कि नहीं, भैया नेक्स्ट स्लाइड लगाइएगा। वैसे अपने से बड़ी व्यवस्था में भागीदारी करने जाते हैं तो मुझे परिवार की व्यवस्था भी समझ में आती है, और पूरा विश्व ही परिवार के रूप में दिखाई देता है। मैं परिवार से लेकर विश्व परिवार तक व्यवस्था में भागीदारी करता हूँ, और इससे मानव लक्ष्य की पूर्ति होती है। ऐसा भी हम देखें तो हम जिस प्रकार से भागीदारी कर रहे हैं, अब हम परिवार को ज्यादा व्यवस्थित ढंग से चला पा रहे हैं, उसमें भागीदारी कर पा रहे हैं,
वैसे ही परिवार से आगे बढ़े तो परिवार समूह में हमारी भागीदारी पहले से बेहतर हुई है, पहले से ज्यादा निश्चित हुई है। अभी हम शिक्षा कार्यक्रम में भागीदारी कर रहे हैं, उससे हर बच्चे के अंदर ज्ञान समाधान सुनिश्चित होने की संभावना बन रही है, तो हम मानव लक्ष्य की ओर जा रहे हैं। तो ये मेरी भागीदारी धीरे धीरे बढ़ती जाती है जितना जितना मैं अपने अंदर ज्ञान समाधान के लिए काम करता हूँ। फिर उसके फलन के रूप में देखते हैं तो समाज अखंड हो पाता है, तो संबंधों में जो भी दुराव है, खिंचाव है, तनाव है, उसके स्थान पर संबंधों में एक पूरकता का भाव आता है। मैं दूसरे को संबंधी के रूप में देख पाता हूँ, घर के अंदर भी, घर के बाहर भी, कि नहीं। तो इससे मुझे पूरा विश्व ही, अगर हम अपने आप एक्सप्लोर करते हैं, तो एक परिवार के रूप में दिखाई देता है कि पूरा विश्व ही मेरा परिवार है। तो इसको मैं अपने आप में देख पाता हूँ, उससे भागीदारी कर पाता हूँ, और उसका एक सहज फलन है कि ऐसा समाज में घटित होता हुआ दिखाई भी देता है। वैसे ही मैं परिवार की व्यवस्था को सुनिश्चित करते हुए पूरे धरती पे व्यवस्था के लिए काम कर पाता हूँ, जिससे मानव लक्ष्य की पूर्ति हो पाती है, परिवार भी व्यवस्थित हो पाता है, पूरा विश्व परिवार भी व्यवस्थित हो पाता है। और फिर इससे एक मानवीय परंपरा स्थापित होती है। मानवीय परंपरा का अर्थ हुआ कि पीढ़ी दर पीढ़ी हर बच्चे में ज्ञान समाधान सुनिश्चित होने की एक परंपरा बन जाए, जिससे हर मानव, हर बच्चा इस मानव लक्ष्य को पूरा कर पाए और इतना ही योग्यता के साथ जी पाए। आपको दिखाई देगा कि अभी जहां हम अपने संबंध को अपने बच्चों तक सीमित करके देखते हैं, अब धीरे धीरे पूरी अगली पीढ़ी मुझे अपना बच्चे जैसा दिखाई देता है, जहां हम अपने बच्चे के करियर बनाने के लिए दिन रात मेहनत करते हैं, समय लगाते हैं, विचार करते हैं। अब हमारी योग्यता इतनी बढ़ती जाती है कि हम पूरी अगली पीढ़ी के लिए विचार करते हैं, सिर्फ हमारे बच्चे के लिए नहीं, कि नहीं, ये योग्यता भी हमारे अंदर बनने लगती है। हमको क्या सहज रूप से स्वीकार है कि अपने संबंध को अपने सिर्फ बच्चे की तरफ, बच्चे तक सीमित होकर देख पाना, या अगली पूरी पीढ़ी को अपने बच्चे की तरह देखना? चैट बॉक्स में रिस्पॉन्ड कर सकते हैं कि हमें सहज रूप से क्या स्वीकार होता है, कि अपने संबंध को सिर्फ अपने बच्चे तक सीमित करके देखना, या पूरी जो अगली पीढ़ी है उसको अपने बच्चे की तरह देखना, उसके साथ संबंध को देख पाना। तो हमारी योग्यता इतनी बढ़ जाती है कि नहीं, हमारी कल्पनाशीलता इतनी फैल जाती है। हम अब जब भी कोई कार्य करते हैं, व्यवहार करते हैं, भागीदारी करते हैं, कोई अपने लिए चयन करते हैं, तो हम पूरी परंपरा के अर्थ में सोचते हैं, है ना। शुरू में तो ये काफी कठिन लगेगा, जहां अभी हमको एक परिवार चलाना ही मुश्किल लग रहा है, जहां अभी हमको एक परिवार की व्यवस्था बनाना ही मुश्किल लग रहा है, उसी को लेकर हम तनाव में आ जाते हैं, परेशान हो जाते हैं। अब पूरी परंपरा के बारे में विचार करना है, शुरू में तो ये मुश्किल लगता है, परंतु आपको दिखाई देगा कि जितना जितना मेरे अंदर ज्ञान समाधान होता है, यही सहज दिखता है ना, यही सहज दिखता है। और उसके लिए बहुत अब अलग से विचार नहीं करना पड़ता, हमको दिखता है कि ये सहज प्रक्रिया है। मैं अपने अंदर जितना जितना ज्ञान समाधान संपन्न होता हूँ, ये होता ही है, मेरा आचरण उसके अनुरूप ही होता है, और मेरे जो व्यवहार होता है अखंडता के अर्थ में ही होता है, जो कार्य होता है सार्वभौमता के अर्थ में ही होता है, जो मुझे प्रमाण मिलता है वो परंपरा के रूप में ही मिलता है। तो शुरू में ऐसा लग सकता है कि काफी बोझिल काम है, काफी कठिन काम है, काफी विचार करना पड़ता है, मेहनत करना पड़ता है, परंतु इसके जब हम बेसिक्स को देख पाते हैं, इसके आधार को देख पाते हैं, अपने आप उस क्लैरिटी को देख पाते हैं, तो यही सहज दिखाई देता है ना। फिर दिखता है कि अगर मैं सिर्फ अपने बच्चे के लिए विचार कर रहा हूँ और परंपरा के लिए विचार नहीं कर पा रहा हूँ, तो मैं अपने बच्चे का भी अहित ही कर रहा हूँ, उसका मैं अधिमूल्यन कर रहा हूँ, उसके लिए मैं, है ना, सुविधाओं को भोगने के लिए और अभ्यस्त बना रहा हूँ, उसको सुविधा भोगी बना रहा हूँ, कि नहीं, उसके अंदर मैं गलत मान्यताएं तैयार कर रहा हूँ, जिसका फल परिणाम मुझे भी भोगना होगा, वो तो भोगेगा ही, मैं भी भोगूंगा और समाज भी भोगेगा। तो अब जब हम इस पूरे स्पष्टता के साथ अपने बच्चे के लिए भी योजना बनाते हैं, तो उस पूरी परंपरा को अपने बच्चे की तरह देखते हुए अपने जो निजी बच्चा है उसके लिए कार्यक्रम बनाते हैं, वैसे जब हम अपने निजी परिवार के लिए कोई कार्यक्रम बनाते हैं, योजना बनाते हैं, तो हम पूरे समाज को अखंड देखते हुए बनाते हैं। तो ऐसा नहीं कि समाज को लूट के परिवार को भर देना है, धरती को लूट कर घर में सुविधाएं जुटा देनी है, ऐसा नहीं है, है ना।
हमको दिखता है कि अगर मैं ऐसा करूंगा तो ऐसा नहीं है कि परिवार में सुख बढ़ जाएगा, समृद्धि बढ़ जाएगी, बल्कि वो परिवार मेरे लिए भी समस्या कारण बनेगा, अपने लिए भी समस्या कारण बनेगा, पूरी धरती के लिए समस्या कारण बनेगा। शॉर्ट रन में तो लग सकता है कि मेरी समस्या बढ़ने वाली है, क्योंकि परिवार के सभी लोग तो अलग अलग ढंग से सोचते हैं, सबके अंदर अलग अलग विचार हैं, तो शुरुआत में तो विचार का बोझ हो सकता है थोड़ा बढ़े, ज्यादा विचार करना पड़े, परंतु जितना जितना हम इसको अपने ऊपर बारीकी से काम करते हैं, हमको वही सहज दिखाई देता है कि जब संबंध की सीमा बांध लेते हैं तो हम परेशान होते हैं, यही चार छह लोगों के साथ मुझे सुखी होना है, अब ये सुखी हो नहीं रहे ना मुझे होने दे रहे हैं, अब क्या करना है, उसको लेकर मेरे अंदर बहुत सारा प्रश्न, चिंता, परेशानी पैदा होता है। बट यदि मैं संबंध को फैल कर पूरे समाज से देखता हूँ तो मैं इनके साथ भी अब ज्यादा ठीक व्यवहार कर पाता हूँ, इनका भी मैं ठीक ठीक सम्मान कर पाता हूँ, जहाँ अधिमूल्यन अवमूल्यन करके मैं दुखी होता रहता हूँ उसके स्थान पर मैं इनका सम्यक आकलन कर पाता हूँ, इनके साथ मैं सही व्यवहार कर पाता हूँ, उनके विकास के लिए सही योजना बना पाता हूँ। इतनी स्पष्टता हो जाए कि नहीं, ये मानव चेतना के साथ जीना है, ये मानव की तरह जीना है, अब ये मनुष्य की तरह जी रहे हैं, है ना, और निरंतर सुखपूर्वक जीते हुए इतना तो कम से कम करना बनता है कि नहीं। बढ़िया जी, इतनी बात को लेकर यदि किन्हीं का कोई प्रश्न हो, कोई बात स्पष्ट ना हुई हो तो उसको रख सकते हैं, कोई प्रश्न रह गया हो। सर, मेरे चैतन्य में दो विचार बड़े ऐसा कॉन्ट्राडिक्शन में आने लगे। मंदिर जाने पर जैसे हम गॉड को ऑनर करें तो उसमें ही मेरे बहुत सारे क्वेश्चन आने लगे, हम ऐसा क्यों कर रहे हैं, जबकि मेरे को ऐसा लग रहा है कि मेरा जो झुकाव है यहाँ ज्यादा आने लग गया, तो यहाँ पर आने पर वहां सवाल इतने खड़े होने लगे, ये ऐसा सब कुछ क्यों है, हम ऑनर कैसे कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं, कब ये इसमें कुछ फायदा भी है या नहीं फायदा, इतने सारे क्वेश्चन आए कि मैं उसको एक सही पोजीशन पे अपने आप को लेके आ नहीं पाई। ठीक है ना, तो अभी जो बात हो रही है इस पे ध्यान दें, तो ये तो अच्छी बात है कि आपके अंदर प्रश्न पैदा होने लगे, जिन चीजों को हम मान कर चल रहे थे अब उन पे प्रश्न खड़े कर रहे हैं, पहले से बेहतर स्थिति है। यस, जो हम अज्यूम कर रहे थे उसके उसमें बहुत सारे क्वेश्चन भाई इवेलुएट करने लगी मैं, जांच परख करने लगी कि ये कहाँ तक सही है कहाँ तक सही नहीं है, यहाँ तक भी आया कि हम ऑनर ही क्यों कर रहे हैं, जब यहाँ पर किसी चीज का मीनिंग है या नहीं है, यहाँ पर कुछ कॉन्ट्राडिक्शन स्टार्ट हो गई। जी, तो अच्छी बात है, पहले से बेहतर स्थिति है, अब उसको रिजॉल्व भी करेंगे, तो अगर एक कंट्राडिक्शन आया तो उसका समाधान भी निकालेंगे, समाधान के 9 बिंदुओं पर ध्यान देंगे। तो गॉड क्या है, है ना, अभी हम इसे गॉड मानते हैं उसको भी क्वेश्चन करेंगे और समझेंगे कि नहीं। जी जी, तो पूरे अस्तित्व को जब समझेंगे तो सारी बातें स्पष्ट होंगी, तो हम ज्ञान के लिए और निष्ठापूर्वक अब काम करेंगे। तो एक स्थिति है कि हम मान्यताओं में जी रहे हैं, बेहोशी में जी रहे हैं, उससे बेहतर स्थिति चलने प्रश्न खड़े हो गए, है ना, जब प्रश्न खड़े होते हैं थोड़ी परेशानी बढ़ती है, परंतु ये प्रश्न खड़े होने जरूरी है। ऐसे लग रहा है जैसे मैं पहले बहुत इनोसेंट थी, तो सब चल रहा था, सही चल रहा था, अब हर चीज में मैं जांच परख करने लगी, ऐसा क्यों कैसे, बहुत सारे क्वेश्चन आने लग गए, उस क्वेश्चंस को सॉल्व करने में ही सारा दिन ऐसे लग रहा है निकल रहा है। हाँ, अगर सिर्फ विचार करेंगे तब तो उलझन बढ़ती रहेगी, परंतु यदि समझेंगे, है ना, अपनी सहज स्थिति के आधार पर जांच के देखेंगे तब उलझन कम होगी। राइट सर जी, बढ़िया दीदी जी। भैया नमस्ते सभी को। नमस्ते। तो काफी अच्छा चल रहा है और हम धीरे धीरे बहुत ही डीप जिसको बोलते हैं उसके अंदर जा रहे हैं। तो अभी आपके जो डिस्कशन में एक शब्द मुझे मिला वो था अधिमूल्यन और अवमूल्यन। तो हम जब बच्चों को पढ़ाते हैं या सब करते हैं तो ये उनका थोड़ा अधिमूल्यन जो आप बोलते हैं तो ये करना
अच्छी बात है ऐसा मैं मानता हूँ। मतलब अगर किसी को मोटिवेट करना है या कुछ करना है तो हमेशा हम उसको तू गलत है ऐसा ही बोलते रहेंगे, तो उससे जो हमारा भाव है हम जो बोलते हैं या हमारा जो एक जिस आशा से हम पढ़ाने जा रहे हैं कि हम ये चाहते हैं कि ये पीढ़ी अच्छी हो जाए, तो क्या अधिमूल्यन करना अच्छा है कि हमेशा अवमूल्यन ही करना चाहिए या ऑल द टाइम राइट इवेल्यूशन ही करना चाहिए, इस पे थोड़ा बोलेंगे तो अच्छा रहेगा जी भैया। देखिए मोटिवेशन और अधिमूल्यन ये दो अलग चीजें हैं। तो मोटिवेशन का मतलब ये हुआ हम बच्चे को देख पाते हैं और दिखा पाते हैं कि इसमें पोटेंशियल है जी भैया, है ना, और उसको अवेयर करते हैं कि भाई देखो है ना आपके अंदर पोटेंशियल तो है, आप ध्यान दोगे दिख जाएगा, समझ में आ जाएगा। जी जी भैया ये मोटिवेशन है। हाँ और जितना देख पा रहा है उससे अधिक बता देना, हाँ ये अधिमूल्यन है। तो अधिमूल्यन की आवश्यकता नहीं है, इनफैक्ट अधिमूल्यन से बच्चा भी परेशान होता है। तो हमने तो उसको जैसे कहते हैं ना चने के झाड़ पे चढ़ा दिया। हाँ एग्जैक्टली एग्जैक्टली करेक्ट करेक्ट करेक्ट, हम भी परेशान होते हैं बच्चा भी परेशान होता है। तो वो नहीं करेंगे, हम उसको मोटिवेट करेंगे। मोटिवेट करने का मतलब हमको दिखता ही है कि हाँ उसके अंदर पोटेंशियल है। तो मोटिवेट करने के लिए अगर हम उसको थोड़ा सा समझो, मैं एक अपने प्रोफेशन की बात है, टीचर है हम, और एक आधा बच्चा सही में अच्छा कर रहा है, अच्छा लिखता है, हैंडराइटिंग अच्छा है या उसकी समझ अच्छी है क्लास में अच्छा, तो उसको अगर हमने 2 मार्क्स अगर ज्यादा दे दिए तो क्या वो मतलब अधिमूल्यन से वो बिगड़ सकता है? देखिए मार्क्स देना नहीं देना ये अधिमूल्यन का मुद्दा नहीं है, है ना। अधिमूल्यन जो शब्द है वो बेसिकली वो तो मैं छोटा सा एक एग्जांपल के तौर पे बोला, आपकी बात बराबर है, अपन ओवरऑल बात कर रहे हैं। हाँ जी भैया, हाँ तो मार्क्स उसको हम थोड़ा ज्यादा देते हैं कम देते हैं उसको हम देखते हैं कि इससे बच्चे के ऊपर क्या प्रभाव पड़ेगा। बच्चे एफर्ट किया है भले आंसर सही नहीं लिख पाया तो हम उसके एफर्ट को तो ऑनर करेंगे ना। यस यस सर बराबर बराबर। जैसे हम कभी भी जब बच्चों की कॉपी जांचते हैं तो हम ये सिर्फ नहीं देखते कि आंसर सही है गलत है, उसने एफर्ट क्या लगाया उसको भी देखते हैं। हाँ जी भैया, उसके एफर्ट को भी हम रिवॉर्ड करते हैं तो उतना ठीक है, क्योंकि आंसर गलत है ना, तो कोई न्यूमेरिकल सॉल्व कर रहा है ठीक, आखिर में आंसर गलत आ गया बट स्टेप्स उसने सारे सही लिए, उसको तो हम रिवॉर्ड करेंगे ही। उसका राइट इवैल्यूएशन वहां भी करेंगे उसके सॉल्यूशन का। हां कई बार क्या होता है कि जी कई बार होता है कि गलत आंसर फिर भी फुल मार्क्स दे दिए तो ये रॉन्ग इवैल्यूएशन हो गया ठीक, और चूंकि गलत आंसर आ गया इसे 0 दे दिए ये भी रॉन्ग इवैल्यूएशन हो गया। अच्छा मतलब दोनों करेक्ट करेक्ट, तो उसको जो एफर्ट लगाया जो स्टेप्स फॉलो किए उसको तो हम ऑनर करेंगे, उसको तो रिवॉर्ड करेंगे ना। मतलब जितना जितना हम खुद समझते जाएंगे उतना उतना हम समझाने की कोशिश करेंगे, ये जैसा कल परसों अपन सुन रहे हैं, पहले हम समझ जाए कि कितना कहां तक वो इवैल्यूएशन करना है फिर उसके। जी भैया नमस्ते, नमस्ते जी, धन्यवाद, बढ़िया भैया। अखिलेश्वर जी नमस्ते भैया। भैया अभी मानव लक्ष्य की बात हो रही थी ना, समाधान समृद्धि अभय और सहअस्तित्व की, और दूसरी तरफ मेरे अंदर जीवन लक्ष्य भी है तो सुख शांति संतोष आनंद, तो ये दोनों एक दूसरे से जुड़े हैं ऐसा लगता तो है मतलब, लेकिन इनका कनेक्शन कोई और मतलब कोई और भी बात है मतलब, ये कैसे जुड़े हुए हैं बेसिकली जीवन लक्ष्य और मानव लक्ष्य आपस में कैसे जुड़े हुए हैं? तो देखिए सुख शांति संतोष आनंद ये आपके अंदर घटित होने वाले भाव है ना, समाधान समृद्धि अभय सशक्त परिवार समाज में पूरा होने वाला लक्ष्य है, तो उसकी स्पष्टता हमको स्वयं में होती है, समाधान की समृद्धि की समाज में कैसे होगा, अभय कैसे होगा, सशक्त कैसे होगा, इसकी स्पष्टता स्वयं में होती है। इसकी स्पष्टता जब स्वयं में होती है तो मेरे अंदर सुख शांति संतोष की स्थिति बनती है। भैया मैंने प्रश्न इसको पूछा क्योंकि समाधान जो है वो स्वयं में होना है, समृद्धि परिवार में होना है, और जो अभयता है वो समाज में है, अस्तित्व पूरी व्यवस्था में है, तो अब ये तो अलग अलग उनके है ना लेवल, और ये इधर सेल्फ में होना है सारा, इस वजह से थोड़ा कंफ्यूजन था। आप जो जी, तो ये इसकी क्लैरिटी आपको स्वयं में होनी है। अच्छा फल परिणाम व्यक्ति में परिवार में समाज में प्रकृति में होना है, स्पष्टता स्वयं में होनी है। ठीक है भैया, तो उसको और थोड़ा सा अगर फर्दर क्लैरिफाई करें तो यदि हम UHV2 को ध्यान में रखें तो दिखता है कि जो मानव का आचरण है वो बेसिकली
शास्त्रत्व के अनुभव के आधार पर जो स्वयं स्थिति बनती है उसका ही एक फल परिणाम है, उसी का एक्सप्रेशन है। तो जो हमारे जीने के भिन्न भिन्न आयाम है, स्वयं में जीना, शरीर के साथ जीना, दूसरे मानव के साथ जीना, प्रकृति के अन्य कायों के साथ जीना, पूरे अस्तित्व में जीना, इसको अब हम प्रॉपरली प्लेस कर सकते हैं। तो जो 9 बिंदु है उसको अब हम धीरे धीरे है ना एक एक करके प्लेस कर सकते हैं कि समाधान को हम अब उस पूरे सेल्फ के डायग्राम के साथ और उसका जो पूरा एक्सप्रेशन है आउटसाइड उसका कैसे रिलेट करते हैं। जी नेक्स्ट स्लाइड लगाइएगा भैया। इसके बाद आएंगे उस पर। तो अभी अपने आप में दिखता है अपने को कि इस पर जो पहले भी बात हुई थी कि ये ज्ञान की पूर्णता अनुभव के साथ है। तो ज्ञान का मतलब क्या हुआ कि मुझे संबंध का ज्ञान हो जाए, व्यवस्था का ज्ञान हो जाए, सहस्तित्व का ज्ञान हो जाए। तो जो पूर्णता है वो सहस्तित्व के अनुभव के साथ है। ज्ञान का जो आयाम है वो ब्लॉक B1 है, उसके आधार पर समाधान होना है और समाधान के साथ फिर मेरे कल्पनाशीलता में विचारों में तृप्ति होनी है, यानी विज्ञान स्पष्ट होना है। फिर वैसे ही मेरे जीने का निर्णय होना है जो मेरे व्यवहार में जाएगा, कार्य में जाएगा, भागीदारी में जाएगा और वैसे ही आगे बढ़ते हुए मानवीय परंपरा तक जाएगा। तो एक छोर पर मैं अपने आप में अनुभव के लिए काम कर रहा हूँ, दूसरे छोर पर मैं मानवीय परंपरा के लिए काम कर रहा हूँ और इस पर काम करते हुए मेरे अंदर समाधान के 9 बिंदु, उन पर हर एक बिंदु पर स्पष्टता बनती जा रही है कि नहीं। जी तो ये स्वयं में अनुभव होना है और इसका एक्सप्रेशन आउटसाइड मानवीय परंपरा के रूप में जाना है। अब अगर उन 9 बिंदुओं को इन सारे बिंदुओं से रिलेट करें, है ना भैया, उसको नेक्स्ट स्लाइड लगाइएगा, तो ऐसा दिखाई देगा। तो 3.1 को देखें, ज्ञान तो ब्लॉक B1 में पूरी तरह से घटित होने वाला है। विवेक की अगर बात करें तो इच्छा के स्तर पर है, तो उसमें चिंतन में भाव स्पष्ट होना और चित्रण में उसके आधार पर पूरा मानव लक्ष्य का स्पष्टता होना, ये काम इच्छा के स्तर पर होना है। और यदि हम विज्ञान की बात करें तो विज्ञान कल्पनाशीलता में होना है, इसमें चित्रण का भी भाग है, विचार भी है, आशा भी है। तो ये जो विज्ञान हमारे अंदर फैलेगा कि जो भी हमने मानव लक्ष्य के रूप में पहचाना उसके लिए क्या योजना बनाई जाए, कैसे क्रियान्वयन किया जाए, कैसे उसके फल परिणाम का आकलन किया जाए, फिर उसके आधार पर कैसे नई योजना बनाई जाए, फिर क्रियान्वयन किया जाए और सतत रूप से कैसे इसको आगे लेके चलते चले, ताकि जो मेरे लक्ष्य के रूप में स्पष्ट हुआ है स्वयं में वही समाज में फलित हो जाए, वही पूरी धरती में फलित हो जाए। इसलिए हम बार बार अपने अंदर योजना, कार्यक्रम, क्रियान्वयन ये सारा करते हैं। ये काम विज्ञान का है जो कल्पनाशीलता में होना है। फिर उसके आगे हम शरीर के साथ जुड़कर दूसरे मानव के साथ व्यवहार करते हैं 3.4 का। वैसे ही हम शेष प्रकृति के साथ कार्य करते हैं 3.5 का। फिर वैसे हम बड़ी व्यवस्था में भागीदारी करते हैं, तो हम परिवार में रह रहे हैं वहाँ भी व्यवस्था है, कॉलेज में काम कर रहे हैं वहाँ भी व्यवस्था है, गाँव में हम रह रहे हैं वहाँ पर हम पूरे गाँव की व्यवस्था में भागीदारी कर रहे हैं, शहर में रह रहे हैं, कॉलोनी में रह रहे हैं वहाँ व्यवस्था में भागीदारी कर रहे हैं, जहाँ भी रह रहे हैं। तो अपने व्यवहार कार्य के साथ हम आस अपने ऊपर जो अपनी से बड़ी व्यवस्था है उसमें अपनी भागीदारी को सुनिश्चित कर रहे होते हैं। फिर उसके साथ देखें तो ये 3.6 रहा है ना, 3.7 में देखें तो फिर वो अखंड समाज दिखाई देता है, 3.8 में देखें तो सार्वभौम व्यवस्था दिखाई देती है और 3.9 में देखें तो मानवीय परंपरा दिखाई देती है। तो ये जो हमारे अंदर स्पष्टता बनी, ठीक, वो फलन में कैसे समाज तक जाता है, व्यवस्था तक जाती है, परंपरा तक जाती है। तो अब हम इनमें से हर एक बिंदु पे बात करने वाले हैं। इसमें जो कोर इश्यू है वो 3.1 है, तो ज्ञान पे ही हम ज्यादा समय लगाने वाले हैं। एक बार ज्ञान के स्तर पे हमको क्लैरिटी हो जाए, इससे जुड़े हुए सारे प्रश्नों को हम समाधानित हो जाए, तो फिर आगे की चीज हमको सहज रूप से दिखाई देने लगती है। परंतु उसके लिए बहुत जरूरी है कि हम भागीदारी भी करते रहें। तो पाएंगे आप कि ज्ञान के स्तर पर काम करने के लिए भागीदारी अनिवार्य है, अदरवाइज हो सकता है कि हम ज्ञान के स्तर पर ना काम करके सीधे सीधे खाली विज्ञान पे काम कर रहे हैं, हम योजना बना रहे हैं, कार्यक्रम बना रहे हैं, क्रियान्वयन कर रहे हैं, फल परिणाम का आकलन करने का प्रयास कर रहे हैं, बट उसमें ना तो स्वयं में सुख है ना परस्परता में सुख समृद्धि है, तो हम यहाँ फंस जाते हैं। तो कई बार ये होता है कि हम विचार के आम में बहुत सारा काम करते रहते हैं,
हमको लगता है हम ज्ञान के लिए काम कर रहे हैं। तो आप पाएंगे कि ज्ञान के लिए जब आप 3.1 पे हम जब काम कर रहे हैं तो ये 3.9 तक भागीदारी करना जरूरी है, अदरवाइज हम स्टक हो जाते हैं, हम उलझ जाते हैं विचार क्या में। और ऐसा कई बार देखने में आएगा, हम अपने जीने में भी देख सकते हैं, हम आसपास में समाज में भी देख सकते हैं, परंपरा में भी देख सकते हैं कि अगर हम सिर्फ विचार विचार में जीते हैं तो उससे ना तो अनुभव के आयाम में काम हो पाता है और ना ही फल परिणाम ऐसे आ पाते हैं, क्योंकि हमारा भाव सुनिश्चित नहीं हुआ। हमारा अगर भाव सुनिश्चित नहीं हुआ, क्योंकि भाव में परिमार्जन नहीं हुआ, तो भागीदारी कैसे होगी? जो भी भागीदारी होगी उसमें उलझ जाते हैं, उसमें ना हम स्वयं तृप्त होते हैं ना अगला व्यक्ति हमसे तृप्त होता है। तो मुख्य मुद्दा 3.1 में है काम करने के लिए, और 3.1 में काम करने के लिए 3.9 तक भागीदारी करना जरूरी है। ये बात स्पष्ट है, इस पर अगर किन्हीं का कोई प्रश्न हो तो रख सकते हैं। इतनी बात को लेकर यदि किन्हीं को कोई प्रश्न बनता हो, कोई बात स्पष्ट ना हो तो रख सकते हैं। ये पूरा स्वरूप है ना? तो अभी तक हम लोग जो एक डायग्राम को लेकर चलते रहे, अब उससे हम पूरे समाधान को कनेक्ट कर सकते हैं। जी भैया नेक्स्ट स्लाइड लगाइएगा। तो ये जो प्रस्ताव हमें मिल रहा है, ये हमें विचार के आम में मिल रहा है। जी एक दो बार क्लिक कर दीजिएगा। तो ये प्रस्ताव हमें बाहर से मिल रहा है विचार के आम में, तो हम शुरुआत तो विचार से ही करेंगे, क्योंकि जीना तो अभी हमारे विचार के आम में हो रहा है, अनुभव के आम में, ज्ञान के आम में तो अभी हम काम कर नहीं पा रहे, तो हम यहाँ से शुरू करेंगे। फिर इसको हम क्या करते हैं, अपने ज्ञान के आयाम से जोड़ कर देखते हैं, अनुभव के आयाम से जोड़ कर देखते हैं, उसी को सहज स्वीकृति का, कि यही मुझे सहज रूप से स्वीकार है या कुछ अन्यथा है। तो मैं प्रपोजल्स को वेरीफाई करता हूँ, जांचता हूँ, अपने अंदर जो सहज स्वीकृति है उससे जोड़ के देखता हूँ, क्या यही संबंध के अर्थ में है, क्या यही व्यवस्था के अर्थ में है, क्या यही सहस्तित्व के अर्थ में है। इसको मैं बार बार करता हूँ, और इसको करने के क्रम में फिर मैं भागीदारी भी करता हूँ, व्यवहार करता हूँ, कार्य करता हूँ। तो ये बात जो बार बार निकल कर आती है ना, कि एक छोर पर मैं अपने अंदर ज्ञान के लिए काम करता हूँ, दूसरे छोर पर मैं भागीदारी करता हूँ, भागीदारी मेरी पूरी परंपरा तक जाती है, उसी से मेरा विकास है। मैं भागीदारी करूं परंतु ज्ञान के लिए काम ना करूं तो तृप्ति नहीं होगी। मैं खूब पेड़ लगाऊं, दौड़ दौड़ के पेड़ लगाऊं, पूरी धरती में पेड़ लगाऊं, बट स्वयं मैं ज्ञान के लिए ना काम करूं तो समाज को लेकर क्षोभ होगा। देखो मैं इतना पेड़ लगा रहा हूं, लोग इतना प्रदूषण कर रहे हैं, लोग पेड़ काट के ले जाते हैं, है ना, मेरे कार्य का कोई सम्मान ही नहीं कर रहा, कोई मेरी ओर ध्यान ही नहीं दे रहा, कोई मुझे पूछता नहीं, देखो मुझे अभी तक कोई अवार्ड नहीं मिला। तभी यहीं फंस जाएंगे कि नहीं, हम सोचते हैं कि भाई पशु पक्षियों को बचाना है, उनके लिए खूब काम करना है, खूब मेहनत करना है, बट स्वयं में कहीं ना कहीं दूसरे से भाव पाने की आशा बनी रहती है। तो यहाँ हम फंस जाते हैं, हम सिर्फ भागीदारी करने जाएं और स्वयं में ज्ञान के लिए काम ना करें तो हम फंस जाते हैं। स्वयं में ज्ञान के लिए हम काम करने जाएं, भागीदारी ना करें, तो पता चला कि सिर्फ विचार ही विचार कर रहे हैं। तो ढेर सारे शब्द हमको मिल गए, शब्दों को मैं और विश्लेषित कर रहा हूँ, ठीक, और बारीकी से साथ साथ बैठाने का प्रयास कर रहा हूँ, परंतु दिख नहीं रहा, भाव स्पष्ट नहीं हो रहा। तो वहां भी हम फंस जाते हैं कि भाव तो स्पष्ट नहीं हो रहा, भाव स्पष्ट नहीं हो रहा तो उसकी तृप्ति भी नहीं मिल रही। तो एक छोर पर हम अपने अंदर अनुभव के आयाम में गति करने के लिए प्रयासरत रहते हैं, दूसरे छोर पर हम भागीदारी कर रहे होते हैं। तो बहुत ही संक्षेप में इंट्रोडक्टरी वर्कशॉप में जब कहा, उसको कहा कि स्वयं में जांचना और जीकर देखना है, और थोड़ा सा उसको और उसको विश्लेषित किया। तो स्वयं में जांचना का मतलब क्या है, अनुभव के आयाम से जोड़कर देखना, और जी कर देखने का मतलब क्या है, व्यवहार करना, कार्य करना, भागीदारी करना, उसको और विश्लेषित किया। ये 3.1 से 3.9 तक दिखाई देता है कि अल्टीमेटली इतना काम करना है। तो अनुभव के आयाम में भी काम करना है, विचार के आयाम में भी काम करना है, और भागीदारी में भी व्यक्ति से लेकर पूरी मानवीय परंपरा तक भागीदारी करनी है। तो बात उतनी ही है ना, कि स्वयं में जांचना और जी कर देखना है, बट जैसे जैसे हमारी बारीकी बढ़ती जाती है वैसे वैसे हम और फैलाकर उसको देख पाते हैं। क्योंकि जब जी कर देखने गए तो कई जगह फंसे, फिर प्रश्न बने, फिर उस जी कर देखने को भी हमने और विश्लेषित किया, एक एक इकाई के साथ जी कर देखने की बात की। वैसे स्वयं में जांचने को भी जब देखने गए तो वहां भी फंसे, तो संबंध को देखने की बात की, व्यवस्था को देखने की बात की, अस्तित्व को देखने की बात की। तो मूल बात इतनी है कि स्वयं में जांचना और जी कर देखना। जी कर देखने में जो फैलाव है पूरी मानवीय परंपरा तक है, स्वयं में जांचने में जो गहराई है वो अनुभव तक है। जी भैया नेक्स्ट स्लाइड लगाइएगा।
तो अगर इसके आधार पर होमवर्क को देखें तो जितने भी आपके अंदर प्रश्न बने हैं यूएसपी टू को करने के बाद या कुछ नए प्रश्न तैयार हुए हैं उसको आप लिख सकते हैं। तो आज जितनी बात हुई उसको लेकर जो भी आपके अंदर प्रश्न बने हों, जो भी नए शंकाएं उत्पन्न हुई हों, कुछ है ना शब्द स्पष्ट ना हुए हों तो उसको लिख सकते हैं। और वैसे भी मतलब पूरे प्रस्तावना को लेकर कहीं कोई बात उलझी हुई हो, कुछ शब्द हो जो अपने को स्पष्ट ना हो, तो शब्द का आशय अपने को स्पष्ट ना हो तो उसको हम लिख सकते हैं, अपने लिए रख सकते हैं ताकि हम उनके समाधानित हो पाए। ये भी हम देख सकते हैं कि अभी अगर हम इस क्षण सुखपूर्वक नहीं जी पा रहे हैं तो क्या ये सुविधा के अभाव कारण है, या संबंध में तृप्ति के अभाव कारण है, या स्वयं में ज्ञान समाधान के अभाव के कारण है, मेन कारण क्या है, मुख्य कारण क्या है। तो मुझे लगता है कि इतनी चर्चा के साथ ये स्पष्टता हमारे अंदर बन पाती होगी कि जो मुख्य कारण है तो अपने अंदर ज्ञान और समाधान का भाव होना है, उसी कारण संबंधों में भी तृप्ति का भाव है, उसी कारण से है ना सुविधा की आवश्यकता की पहचान भी नहीं हो पा रही है तो उसको लेकर हमारे अंदर द्वंद उलझन बना हुआ है। ये भी हम देख सकते हैं कि मेरे लिए इस क्षण आज के दिन सुख का स्रोत कहाँ है, बाहर या भीतर। तो अगर बाहर मेरे लिए सुख का स्रोत है तो मैं दूसरों से अनुकूल भाव पाकर या शरीर से अनुकूल संवेदना पाकर सुखी होने का प्रयास करूंगा, और फिर मुझे दिखता है कि उसमें कॉन्टिन्यूटी ऑफ हैप्पीनेस तो हो नहीं सकती, बट इसको हम अपने अंदर और ठीक से आकलन कर लें। अभी होता यह है कि अगर मेरे अंदर ज्ञान सुनिश्चित नहीं हुआ है, समाधान सुनिश्चित नहीं हुआ है तो मेरी स्थिति सहज नहीं होती है। उस असहज स्थिति से मैं बाहर निकलना चाहता हूँ। बाहर निकलने के दो रास्ते हैं, या तो ज्ञान को सुनिश्चित कर लें या बाहर से कुछ पा लें जिससे सामयिक रूप से तृप्ति मिल जाए। तो हम जो कर रहे हैं हम निष्ठापूर्वक ही कर रहे हैं, परंतु यही है कि अगर वो ज्ञान नहीं दिख रहा अपने को, अपने आप में नहीं सुनिश्चित हो रहा, भाव स्पष्ट नहीं हो रहा, तो अभी जो असहजता उससे बाहर निकले अगर कुछ तो करेंगे तो हम बाहर की ओर भागते हैं। तो एक सामयिक रूप से हमने उसको कर भी लिया है ना, तो उसके लिए बहुत परेशान होने की जरूरत नहीं है, बट जब उससे बाहर निकल पाए, थोड़ा आराम पाए, फिर ज्ञान के लिए काम करना शुरू किया, क्योंकि समाधान तो यहीं से निकलेगा, तृप्ति की निरंतरता तो यहीं से होगी। तो अभी हम अपनी दिनचर्या में भी देख सकते हैं कि कई बार हो सकता है कि हम बाहर से कुछ पाकर सुखी होने का प्रयास करते हैं, बट उससे बहुत परेशान होने के बजाय हम देखें कि ठीक है अभी उसका ना जो भी प्रयोग करना था हमने किया, अब फिर हम लौट कर ज्ञान के लिए काम करें, फिर हम लौट कर समाधान के लिए काम करें। तो इसके लिए अब हम एक निश्चित कार्यक्रम बना सकते हैं, है ना, दिन में कुछ समय निश्चित कर सकते हैं, जैसे हम सब ने सुबह का एक घंटा दो घंटा निश्चित किया हुआ है कि नहीं, इससे अभी अपने अंदर जो काम हो पा रहा है उससे दिन में और स्पष्टता बनती होगी, संबंध को लेकर, व्यवस्था को लेकर, पूरे जीने को लेकर, अपने को लेकर भी, अपने परिवार को लेकर भी। जो आज बात हो रही थी कि सिर्फ अपने बच्चे को लेकर नहीं बल्कि पूरी अगली पीढ़ी को लेकर, पीढ़ी दर पीढ़ी को लेकर, है ना, इतनी स्पष्टता के साथ जिया जा सकता है, उससे हम काम करते रह सकते हैं। विज्ञान की जो बात हुई तो उसको और थोड़ा सा स्पष्ट कर दें कि अभी जिसे हम विज्ञान सामान्य से कहते हैं, प्रचलित विज्ञान, तो उसमें हम जड़ इकाइयों का अध्ययन करते हैं, तो उनके हम रूप और गुण का अध्ययन करते हैं, उसको अभी विज्ञान कहते हैं। यहाँ जिसे विज्ञान कह रहे हैं वो मानव लक्ष्य की पूर्ति करने का विज्ञान, तो शब्द वही है अर्थ अलग है। तो विज्ञान अभी जिसे कह रहे हैं कि मानव लक्ष्य की पूर्ति कैसे होगी, यानी कैसे हर व्यक्ति में समाधान सुनिश्चित होगा, कैसे हर परिवार में समृद्धि सुनिश्चित होगी, कैसे समाज में अभय सुनिश्चित होगा, कैसे प्रकृति में सहस्तित्व सुनिश्चित होगा, उसको लेकर हम योजना बनाते हैं, कार्यक्रम बनाते हैं, ना क्रियान्वयन करते हैं, जो फल परिणाम आते हैं उसका मूल्यांकन करते हैं, फिर नई योजना बनाते हैं, एक रिकर्सिव प्रोसेस है, बार बार हम उसको करते हैं, है ना, बट स्वयं में तृप्ति बनी रहती है ज्ञान के आधार पर, इसको विज्ञान कह रहे हैं। तो अभी जो प्रेजेंट डे साइंस है उसके मुकाबले हम देख सकते हैं कि ये विज्ञान का आशय क्या है। तो प्रेजेंट डे साइंस में तो अभी हम भौतिक रासायनिक वस्तुओं का अध्ययन करते हैं, उनके बीच संबंध को पहचानने का प्रयास करते हैं, इसके आधार पर हम यंत्र बनाते हैं, तकनीक बनाते हैं कि नहीं, औजार बनाते हैं, तो एक अलग चीज है। बट अभी जिसे विज्ञान कर रहे हैं ये तो जीने का विज्ञान है, सुखपूर्वक, समृद्धि पूर्वक, सबके साथ संबंध पूर्वक, व्यवस्था पूर्वक जीने का विज्ञान। बढ़िया, तो काफी सारी बातें हैं।
इतनी बात को लेकर यदि कोई प्रश्न बना हो, कुछ रिफ्लेक्शन हो तो आप रख सकते हैं अभी। आज के असाइनमेंट ग्रुप में इतनी ही बात रहेगी। नमस्ते भैया, नमस्ते सभी को। जी कल हमारे मीटिंग में एक बात चल रही थी कि हमें सहज सिक्योरिटी है, ये हम कैसे जान ले। मतलब ऐसी बात चल रही थी कि कई बार जब हम इसकी मतलब अभ्यास करते हैं तो शायद हम सीधा जब नेचुरल एक्सेप्टेंस और सहज स्वीकृति को रिफर करते हैं तो हमको पता चल जाता है, मगर जब हम साधक के रूप में चल रहा है, शुरुआत है, तो हम उसको प्रयोजन पूछते हैं। तो वो पहले तो वो विचार के रूप में ही होता है कि क्या विचार मेरे अंदर चल रहे हैं, और मैं उसको पूछता हूँ कि क्यों मैं ये करना चाहता हूँ, जो करना चाहता हूँ, तो फिर मुझे उसके कारण मिलते हैं, और फिर तो तब तक वो विचार के रूप में होता है या तर्क होता है और कई चीजें होती है, और फिर एक पॉइंट पे हमें ऐसा लगता है कि नहीं, ये मुझे अभी अंदर से ये फीलिंग आता है या भाव आता है कि ये मुझे सहज स्वीकृत है। तो ये बिंदु आ गया, ये समझने के कुछ ये जब हम ये साधना कर रहे हैं, अभ्यास कर रहे हैं, तब ये बिंदु आ गया, ये समझने के अपने कुछ ठोक ताले हो सकते हैं क्या, कुछ हम मतलब ये अभी आ गया, ये ऐसा सही है या फिर क्या होता है ना कि ये दिखना तो आप में ही है। जी तो आपको दिखेगा तो आपको तो पता चलेगा ही, जैसे विचार चल रहा हमको दिखता है, कोई भाव दिखेगा तो भी पता चलेगा। जी तो चूंकि कई बार ऐसा हो सकता है कि अभी नहीं दिख पा रहा वो भाव स्पष्ट नहीं है, तो हम उस पर अनुमान लगाते हैं, उसका विश्लेषण करते हैं, है ना, उसके लिए हम सोचते हैं कि ऐसा होगा तो कैसा दिखाई देगा, बट जब वो घटना स्वयं में घटेगी तो स्वयं में दिखेगी। मैं एक भैया एक उदाहरण देता हूँ, मतलब जो घटा कल मेरा एक लेक्चर था बच्चों के साथ, सत्र लेना था, वो भी मुझे इम्पोर्टेंट लग रहा था, और उधर पूना में कुछ डेवलपमेंट प्लान चल रहा है, और वो निसर्ग मतलब पर्यावरण के काफी सुसंगत नहीं है, ऐसा कई लोगों को लग रहा है, तो उसका एक के बारे में कुछ आंदोलन या अपना सत्याग्रह जैसा एक एक्टिविटी था, और उसका टाइमिंग सेम था, और मतलब या थोड़ा उसमें अंतर था, और मुझे एक्चुअली वो दोनों चीजों में सहभागी होना था ऐसा लग रहा था, मगर मेरी तैयारी जब सत्र की चल रही थी तो मुझे वो टाइम नहीं मिला। तो फिर मैं अपने अंदर वो देख रहा था कि मैं कहाँ जाऊं, मैं वहां गया तो मेरी सत्र की तैयारी जो है, जो मुझे लग रहा है कि मैं जो करना चाहता हूँ वो पूरी हो नहीं सकेगी, और मैं मेरे जो स्टूडेंट है उसके साथ मैं अपनी रिलेशन जो है उसका सही निर्वाह नहीं कर पाऊंगा। तो फाइनली मैंने वो डिसाइड किया, मतलब मैंने सत्र की तैयारी की और अच्छे से सत्र हुआ, अच्छा इंटरेक्शन हुआ, एक्सप्लोरेशन बना रहा उसके अंदर। तो ये अभी ये करने में कभी कभी ये द्वंद्व रह जाता है उसके बीच में अंदर, मतलब तो मैंने नेचुरल एक्सेप्टेंस की प्रक्रिया जब द्वंद्व रह जाता है या हम मतलब एक सही भाव बना, और मुझे ऐसा भी लग रहा है कि अगर मैं वहां भी जाता था तो भी मेरे अंदर एक सही भाव बना रहता था शायद, क्योंकि वो प्लान के बारे में है। जब हम भागीदारी कर रहे होते हैं जी जी बाहर, तो हमारे पास कुछ सीमाएं हैं, शरीर की सीमा है, समय की सीमा है, संसाधनों की सीमा है, उसके साथ फिर हम भागीदारी करते हैं, तो भाव के स्तर पे तो हम जुड़े हुए हैं, बट भागीदारी में तो सीमा दिखाई देगी अपने को जी, तो उसमें अगर हम संबंध को ठीक से देख पाते हैं तो हम संबंध पूर्वक स्पष्ट कर सकते हैं, तो आप पाएंगे कि कई बार जैसे अगर हम आप उस ओकेजन पे नहीं गए, है ना, उस जो प्रोग्राम बना हुआ था उसमें नहीं गए और क्लास लिया आपने,
तो आपके अंदर शंका होती है कि दूसरे लोग क्या सोचेंगे, कोई पूछेगा तो क्या कहेंगे, है ना, फिर उसको लेकर हम अपने आप उलझते हैं। तो अगर संबंध की स्पष्टता है और हमको दिखता है कि ये कार्य महत्वपूर्ण है तो हमने इसको किया और उसको हम संबंधी को स्पष्ट भी कर देंगे, फिर अगली बार कोई अवसर बनेगा तो हम ज्यादा जिम्मेदारी वहां ले लेंगे, है ना जी। तो अब अगर आप क्लास में न जाएं और आपकी क्लास है तो क्लास तो खाली चला जाएगा, परंतु यदि आप उस अवसर पर वहां न जाएं तो ऐसा नहीं है कि कार्यक्रम रुक जाएगा, अगर ऐसा लगता है कार्यक्रम रुक जाएगा तो फिर वहां जाते जी। तो इस तरह के हम लोग आकलन करते, ये विज्ञान का मुद्दा है जी। अगर हमको भाव स्पष्ट है तो हम योजना बनाते हैं, कार्यक्रम बनाते हैं, क्रियान्वयन करते हैं, उसमें सीमाएं रहती हैं जी। तो जब भी हम क्रियान्वयन करेंगे उसकी एक सीमा होगी जी, उसको हम देख पाते हैं जी। हाँ भैया जी, तो उसमें एक वही वही मतलब लोग क्या कहेंगे इसका भाव मन में नहीं था, यही भाव था कि मेरी भी एक जिम्मेदारी बनती है के जो नहीं है उसके तरफ मैं उपस्थित रहूं। मगर आपने अभी जो कहा वही मेरे मन में आया कि यहाँ वहां बहुत लोग हैं और डायरेक्ट कनेक्शन और डायरेक्ट इंटरेक्शन है नहीं, इट्स तो यहाँ 1-to-1 है और मैं नहीं रहूंगा तो ये नहीं होगा ढंग, और ये ढंग से नहीं हुआ तो नहीं हुआ जाएगा। तो मेरे मन में वो भाव तो है ही कि मेरा वो जो चल रहा है उसको सपोर्ट है और फिर यहाँ मुझे कार्यवाही या आचरण करना है, तो इसके वजह से मन में शांति लगी, ऐसा नहीं लगा बाद में कि नहीं कुछ गड़बड़ हुआ। मगर वही मैं सही ढंग से सोच रहा हूँ या वो एक बार चेक करना था। और फिर ये पूछना था कि नेचुरली एक्सेप्टेबल हो तो ये फिर मन में मतलब विचार वहां विचारों की पूर्णता हो जाती है, ऐसा हम कह सकते हैं कि जब ये निर्णयों के स्तर पर नेचुरल एक्सेप्टेबल नहीं दिखाई देगा आपको कि ये निर्णय लिया ये एक्सेप्टेबल है या वो एक्सेप्टेबल है, जो नेचुरल एक्सेप्टेंस जो भाव के स्तर पर है, भाव की है बिल्कुल। तो ये बच्चों के साथ भी संबंध का भाव है, वहाँ जो लोग जुड़े उनके साथ भी संबंध का भाव है। अब उसके साथ हम शरीर की सीमा को, समय की सीमा को, सुविधा की सीमा को देखते हुए निर्णय लेते हैं जी। जैसे फॉर एग्जाम्पल वर्कशॉप होना है ना, एक साथ 10 जगह पे वर्कशॉप चल रहा है, आप तो एक ही जगह पहुंच पाएंगे जी जी कि नहीं जी, तो हम उसमें देख लेते हैं कि हाँ ये ज्यादा अनुकूल बैठेगा कि नहीं। तो जो भी अपने साथी हैं वर्कशॉप कंडक्ट कर उनसे हम चर्चा कर लेंगे, अपनी योजना बना लेंगे। बिल्कुल भैया जी, जी भैया बहुत स्पष्टता के लिए बहुत धन्यवाद जी, धन्यवाद। बढ़िया भैया, नमस्ते भैया जी। नमस्ते भैया, मुझे थोड़ा सा प्रॉब्लम आ रहा है कि जो 9 स्टेप्स हैं रिजोल्यूशन के और वो जो B1 B2 कंपोनेंट का जो पिक्चर है उससे मैं रिलेट नहीं कर पा रही हूँ अभी, तो ये मुझे लग रहा है कि और थोड़ा सुनेंगे तो तब क्लैरिटी आएगी, ऐसा कुछ है कि ये बिल्कुल बिल्कुल अभी तो पूरा कोर्स ये 3.1 से लेकर 3.9 पे ही चलेगा तो और क्लैरिटी आएगी। अच्छा जी, मतलब इस पे और बात होगी तब। हाँ हाँ बिल्कुल विस्तार से। मुझे ये लग रहा था कि आज के बाद ये स्लाइड नहीं वापस रिपीट होगी तो मैं कहीं अटक ना जाऊं, इसलिए ये मेरा क्वेश्चन था। ठीक है, बात होगी तो क्लैरिटी आएगी। ठीक है भैया, थैंक यू। अगले मॉड्यूल में हम लोग ज्ञान क्या होता है, देखना क्या होता है, इस पे बात करेंगे। उसके बाद फिर ज्ञान के सारे मुद्दों पे बात करेंगे मॉड्यूल 3 में, फिर उसके बाद मॉड्यूल 4 में हम अस्तित्व पे बात करेंगे, मॉड्यूल 5 में फिर हम सब चीजों को एक बार फिर से लेंगे, 3.2 से 3.9 को फिर बात करेंगे। तो इस इन मुद्दों पे बात होनी है, अभी विस्तार से होनी है जी। ठीक है, थैंक यू। बढ़िया दीदी, नमस्ते भैया। भैया मेरा जो प्रश्न था वो तो अभी पहले वाले प्रश्न में वो मतलब कवर हो गया, एक थोड़ा सा रह गया है केवल। जैसे ये भाव और निर्वाह की बात है तो ये विवेक और विज्ञान, तो जो भाव है वो क्या विवेक से जुड़ता है और निर्वाह जो है वो विज्ञान से जुड़ता है? हाँ, भाव विवेक से जुड़ेगा, विज्ञान जो विचार से जुड़ेगा। मतलब वो हाँ निर्वाह से नहीं जुड़ेगा, वो विज्ञान विचार से जुड़ेगा, निर्वाह से नहीं। निर्वाह में तो फिर आप पे आगे 3.4 से 3.9 तक जाएंगे। ठीक है भैया, ठीक है, थैंक यू, थैंक यू। बढ़िया भैया। हाँ भैया नमस्ते, थोड़ा डिस्कनेक्ट हो गया था मेरा भी। संक्षेप में रखिएगा क्योंकि समय हो चला है। हाँ मेरा भी सवाल यही भैया का था कि जो विज्ञान है और जो विवेक है उसमें भाव का क्या रोल था, और ये भैया ने पूछ ही लिया तो स्पष्ट हो गया थोड़ा बहुत।
इसमें मेरे को डाउट था थोड़ा। जी, तो इच्छा के स्तर पर विवेक है, तो वहाँ चित्रण भी है और चिंतन भी है। चिंतन में भाव है, चित्रण में पूरा हम फैला कर देखते हैं इस भाव के साथ जीने को। और विज्ञान भी है जी? विज्ञान विचार में हम फैलाते हैं उसको, तो इच्छा के स्तर पर जो स्पष्टता हुई उसको हम फिर विचार में फैलाते हैं कि कैसे योजनाएं बनाई जाए, क्रियान्वयन किया जाए आदि आदि, उसको हम पूरा फैलाते हैं, विज्ञान है। तो जो जो सिलेक्शन और ये होता है चयन आस्वादन, ये विज्ञान, ये भी जुड़ेगा उसमें। हाँ, ये भी जुड़ेगा, हम निर्णय तो लेंगे ही ना। जहाँ जहाँ निर्णय लेने का होता है वहां विज्ञान आ गया, और जहाँ हाँ। इच्छा और चित्रण भागीदारी आता है वो विवेक में आ गया। लक्ष्य की स्पष्टता विवेक में हुई, लक्ष्य क्रियान्वयन के लिए जो हमने काम किया वो विज्ञान हुआ। अच्छा, तो भाव इसीलिए भाव जो विवेक का पार्ट है, विवेक में आता है। जी जी जी, स्पष्ट स्पष्ट हुआ, स्पष्ट। धन्यवाद भैया। भैया समय हो चला है, तो आज के लिए असाइनमेंट रहेगा ना। और सभी को धन्यवाद, सभी को नमस्ते। नमस्ते, कल पुनः मिलते हैं।